जेल के अंदर इतना इतना सब है कि आप बीमार हो, आपको देखने वाला कोई नहीं, आपको हॉस्पिटल ले जाने वाला कोई नहीं। तो परसों जब खालिद का कॉल आया था तो मैंने उन्हें नताशा के फादर के बारे में भी बताया था। वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में हो गए, किसी भी तरीके का फीवर है, सिर्फ एक पैरासिटामोल दे दी गई। वहां की जो दवाइयां रखी हुई थी सारी दवाइयां एक्सपायरी थी, कोई डॉक्टर नहीं था, कोई बेड नहीं, किसी स्टीमर नहीं था वहां पे, भाप कैसे लेंगे, मतलब गर्म पानी नहीं पी पा रहे थे, वहां किसी तरीके का कोई भी इंतजाम नहीं है अंदर। आप सबको पता ही है कि खालिद को फरवरी 2020 में अरेस्ट करा गया था। उनके अभी उनको 15 महीने हो चुके हैं जेल में कैद। अभी कुछ दिन पहले ही आपको पता चला था कि उनकी तबीयत खराब हुई थी। एक हफ्ते से ज़्यादा उनकी तबीयत खराब रही। एक हफ्ते में उन्होंने मुझे कॉल करा था, जब तब बता रहे थे कि नहीं मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, मुझसे बात नहीं हो पा रही। मैंने पूछा वहाँ पे डॉक्टर नहीं है, दवाइयाँ नहीं है, तो बोलने लगे कि यहाँ कोई नहीं है, ना कोई यहाँ पूछ रहा है कि यहाँ कैसे हाल है, कौन ध्यान रख रहा है, यहाँ कुछ भी अरेंजमेंट नहीं है यहाँ। तो फिर हमने अपने वकील से भी कहा कि वकील साहब ऐसे ऐसे बात है, उनको तबीयत खराब है, उनके वहाँ पे डॉक्टर नहीं है, उनको गले में इन्फेक्शन है, उनको उनसे बात नहीं हो पा रही, वो लगातार खांस रहे हैं, उनको फीवर है और काफी ठंड के साथ फीवर चढ़ रहा था। तो हमारे वकील ने जब कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई, उसके बाद मतलब 8 दिन के बाद कोर्ट ने पूरा ये प्रोसेस में 8 दिन लग गए। 8 दिन के अंदर फिर आ, आ, मंडोली जेल स्टाफ ने उनका टेस्ट करवाया। टेस्ट ऊपर वाले का शुक्र था कि टेस्ट नेगेटिव आया, पर जो उस दौरान का जो सारा उनके साथ हुआ कि वहां पे किसी तरीके की कोई दवाई नहीं थी, चाहे वो किसी भी तरीके का फीवर है, सिर्फ एक पैरासिटामोल दे दी गई। वहां की जो दवाइयां रखी हुई थी सारी दवाइयां एक्सपायरी थी, कोई डॉक्टर नहीं था, कोई बेड नहीं, किसी भी तरीके का वहाँ कोई स्टीम लेने का कोई सिस्टम नहीं था, मतलब आप बीमार हैं, वहां पर ध्यान रखने वाला कोई नहीं है, जो डिस्पेंसरी या जो भी उन्होंने अंदर हॉस्पिटल बनाया हुआ है उसमें भी कोई नहीं था। बल्कि जब कोर्ट के ऑर्डर खालिद पहले गए भी थे तो उन्होंने बोला भी था कि मेरा कोविड टेस्ट कर दीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे कोविड हुआ हो। तो उन्होंने ये बोला कि यहाँ पे तो सभी बीमार हैं, ज्यादातर लोग बीमार हैं, और अगर हम कोविड टेस्ट करने लग गए तो यहाँ बहुत सारे मरीज निकल जाएंगे। तो इस वजह से उन्होंने कोविड टेस्ट नहीं करा था, पर जब कोर्ट के ऑर्डर के बाद उन लोगों ने उनका कोविड टेस्ट करा तो 8 दिन के बाद उनका वो कोविड टेस्ट जब हुआ तो नेगेटिव आए थे। पर उसके बावजूद, उस नेगेटिव टेस्ट के बावजूद भी वो 15 दिन के अंदर, वो 15 दिन लगे उनको ठीक होने में। पर वो 15 दिन हमारे लिए बहुत बहुत ही ज्यादा डरावने थे, बहुत ज्यादा खौफनाक थे। हम सिर्फ और सिर्फ इस बात का एहसास कर रहे थे कि वो कैसे ठीक होंगे, क्या होगा वहाँ। दवाइयाँ किसी तरीके से ना बाहर से जा रही हैं, ना वहाँ कोई दवाई थी, स्टीमर नहीं था वहाँ पे, भाप कैसे लेंगे, मतलब गर्म पानी नहीं पी पा रहे थे, वहाँ किसी तरीके का कोई भी इंतजाम नहीं है अंदर। हालात इतने बुरे हैं कि एक एक कमरे में बहुत बहुत सारे लोग हैं, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। अभी थोड़े दिन पहले ही की बात है कि जिस कमरे में वो रुके, जिस कमरे में उनको रखा हुआ है, उसी कमरे में एक पेशेंट निकला, वो कोविड पॉजिटिव निकला। पर उसके बावजूद उन्होंने ये नहीं करा कि पूरे कमरे सारे लोगों का टेस्ट करवाते, या किसी तरीके का वहां पे कोई सैनिटाइज या कुछ भी होता, पर वो उस मरीज को ही अलग कर दिया, बाकी पूरे कमरे को ही क्वारंटीन कर दिया, अलग उनको थोड़े दिन के लिए बंद कर दिया। अभी दो परसों जब खालिद का कॉल आया था तो मैंने उन्हें नताशा के फादर के बारे में भी बताया था। वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हो गए, क्योंकि ये जो लॉकडाउन हुआ है ये खालिद के अरेस्टिंग के दौरान दूसरा लॉकडाउन हुआ है, और वहाँ के हालात पिछली बार भी ऐसे ही थे मरीजों के साथ, जो वहाँ पे लोग बीमार हो रहे थे उनके कोई भी किसी को भी क्वारंटीन नहीं करा जा रहा था, बाहर से नहीं अरेस्ट जिनको भी करके लेके जा रहे थे, वहाँ पे ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं था कि किसी को अलग करा जाए। बल्कि जो कपड़े हम लोग लेके जाते थे मिलने के लिए, मैं बीच में जब पहला लॉकडाउन खुला था तो जब मैं कपड़े लेके गई थी, खुद मिलने गई थी, तो वहाँ पे इतने बुरे हालात थे कि
गंदे से पानी में उस कपड़ों को सैनिटाइज करा जा रहा था। तो मतलब जेल के अंदर इतना इतना सब है कि आप बीमार हो, आपको देखने वाला कोई नहीं, आपको हॉस्पिटल ले जाने वाला कोई नहीं, आपकी आप आपको कुछ कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं आप लोगों से क्या कहूँ। हमें हर वक्त डर लगा रहता है उनकी तबीयत को लेके, वो डायबिटीज पेशेंट है। और अभी जिस तरीके से अभी एक भाई है, उन्होंने मिहिर भाई, जिन्होंने बताया कि यूएपीए केस में बेल भी नहीं मिल पाती, चाहे आप ये कोविड हो रहा हो या कुछ भी हो रहा हो। हमें इन सबको लेके बहुत डर है, खासतौर से मुझे खालिद को लेके डर है। बात नहीं कर पा रही आप। मेरी हिम्मत तभी टूट गई जब मिहिर भाई ने बोला कि उनको मतलब जो भी यूएपीए के केस में अरेस्टेड है उनको बेल नहीं मिल सकती या किसी भी तरीके से रिहा नहीं किया जा सकता। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ एमएक्स को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।